नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 15 जून से बिहार शिक्षक बहाली के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा। इसी बीच कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें रिजर्वेशन को लेकर बहुत डाउट है, खास करके महिला अभ्यर्थी, उनमें भी जो विवाहित महिलाएँ हैं उनके मन में रिजर्वेशन को लेकर कई तरह की डाउट्स हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी डाउट्स को देखेंगे कि आखिर क्या कन्फ्यूजन है उनके मन में, बिहार सरकार का क्या ऑफिशियल स्टैंड है इस पे, इसको समझेंगे और बिल्कुल सरल भाषा में हम देखेंगे कि आरक्षण का लाभ किन विवाहित महिलाओं को मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है बिहार सरकार का ऑफिशियल लेटर जो रिलीज किया गया था 2 सितंबर 2022 को। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इसका विषय है राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में, यानी बिहार सरकार का जो वैकेंसी होगा उसमें विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराने के संबंध में, यानी जो भी बिहार सरकार के अंतर्गत वैकेंसी आएगा उसमें विवाहित महिलाओं को कैसे आरक्षण देना है, इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था। आइए देखते हैं इस डॉक्यूमेंट के सारे पॉइंट्स को। सबसे पहला है निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वैसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हैं परंतु उनके द्वारा अपने पति के नाम एवं पते से निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र को राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में आरक्षण के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया है का मामला विचाराधीन है, यानी ऐसी महिलाएँ जिनके पिता बिहार के निवासी हैं लेकिन विवाह के बाद वो जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत की हैं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का, वो अपने पति के नाम से की हैं, तो उन्हें आरक्षण में लाभ मिलेगा या नहीं, ये मामला अभी विचाराधीन है, इस पर गवर्नमेंट विचार करे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य की सरकारी सेवाओं के सभी श्रेणियों की संपूर्ण आरक्षित रिक्तियाँ बिहार में निवास करने वाले आरक्षित वर्ग के लिए ही उपलब्ध होंगी। चूँकि सरकारी सेवाओं में बिहार निवासी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए 100 सीट पर वैकेंसी आई है जिसमें EWS मिलाकर टोटल 60% रिजर्वेशन है, यानी 60 सीट रिजर्व है, तो ये जो रिजर्व सीट है ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के मूल निवासी के लिए रिजर्व रहेगा, इसमें कोई भी बाहरी लोग नहीं जाएंगे। बाहरी लोगों का सिलेक्शन केवल 40 जो ओपन सीट है उस पे होगा। ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के मूल निवासी ही राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो राज्य के मूल निवासी हैं वही राज्य में आरक्षण का लाभ लेंगे, राज्य के बाहर के निवासी आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। ये बात हमने पहले ही क्लियर किया कि अगर 100 सीट है तो 60% सीट तो रिजर्व होगा, 40 जो सीट ओपन होगा इसी में बाहरी लोग आ सकते हैं, ये 60 सीट जो होगा वो पूरी तरह से बिहार के मूल निवासी जो हैं अस्थाई निवासी उनके लिए है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो जाति है वो निर्धारित होता है पिता के आधार, यानी पिता की जो जाति है उसी के आधार पर व्यक्ति का जाति। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो महिलाएं हैं चाहे वो विवाहित हो उनका जो जाति होगा वो उनके फादर से डिफाइंड होगा, पति के जाति से उनका कोई लेना देना नहीं। अब देखिए नॉन क्रीमी लेयर की बात करते हैं। NCL सर्टिफिकेट के लिए लोगों को कई कन्फ्यूजन है, तो यहाँ भी क्लियर किया गया है। NCL जो नॉन क्रीमी लेयर होता है ये बनता है OBC को, प्लस इसमें यह देखा जाता है कि इनकम क्रिटेरिया क्या है। तो दो चीज़ें हैं, एक है जाति प्रमाण पत्र तो और दूसरा है आय। तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी NCL निवास आय और जाति के आधार पर आधारित है, ऐसे अभ्यर्थी के अस्थायी आवासीय अंचल कार्यालय स्तर से निर्गत होगा, यानी NCL बनवाने के लिए आपको अपना अंचल कार्यालय जाना पड़ेगा, बगल के ब्लॉक में ही बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, चूंकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को है, आरक्षण सिर्फ और सिर्फ मूल निवासी को है, इसलिए इसका निर्धारण अभ्यर्थी विवाहित महिला सहित
ये पॉइंट ध्यान देना, पिता के मूल निवास के आधार पर होगा। चाहे कोई महिला विवाहित है या अविवाहित है, आरक्षण का लाभ उसको पिता के मूल निवास के आधार पर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विवाहित महिला का अपने पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के आवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र संबंधित विवाहित महिला के आरक्षण का आधार नहीं होगा। अतः ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हो तथा उनके द्वारा आरक्षण हेतु पति के आवास के आधार पर दावा किया गया हो, तो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे को उनके पति के आधार पर निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार मात्र पर वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये था पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। अब इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। सपोज कीजिए कोई, ये एक लड़की है, ये महिला झारखंड की है ऑफिशियली, यानी विवाह से पहले ये झारखंड की थी। इसका विवाह गया डिस्ट्रिक्ट में किसी लड़के से हुआ। अब ये गया के रहने लगेगी शादी के पश्चात, तो चूंकि इसके पिता झारखंड के मूल निवासी थे, बिहार के नहीं थे लड़की के, इसलिए इसे कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप इस समय इंटरनेट पे एक मीम्स जो काफ़ी वायरल हो रहे हैं वो आप देखे होंगे कि जिन भौजी का मायका बिहार से बाहर है उनको आरक्षण में कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा ज़रूर इसे कि जो भी भौजी ऐसे हैं जिनका मायका बिहार से बाहर है, यानी बिहार से बाहर की जो भी लड़की बिहार में शादी करके आई हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो एक पॉइंट क्लियर कि अगर किसी का शादी बिहार से बाहर की कोई लड़की बिहार में शादी करती है तो आरक्षण नहीं मिलेगा। दूसरा, सपोज कीजिए कोई लड़की है जो गया डिस्ट्रिक्ट की है, अब इसका विवाह हो जाता है रांची के किसी लड़के से, यानी आउट ऑफ बिहार। तो चूंकि ये गया में बिलोंग करती थी पहले, इसके पिता गया के मूल निवासी यानी बिहार के मूल निवासी हैं, तो इस लड़की को इस समय भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। यद्यपि वो विवाहित है फिर भी इसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब इस सिचुएशन में एक और कंडीशन था कि अगर ये लड़की अपना आवासीय अपने हस्बैंड के साथ अगर वो रह रही है यानी रांची में रह रही है तो उसका देती है, इस आधार पे भी उसको वंचित नहीं कर सकते। उसको एक मौका मिलेगा कि आप यहाँ का यानी बिहार का आवासीय जाति ये संलग्न कीजिए। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि उन्हीं महिलाओं को लाभ मिलेगा आरक्षण का जिसके पिता बिहार के मूल निवासी हैं, बाकी किन्हीं को नहीं मिलेगा। तो वैसी बिहार की बेटियां जो बिहार से बाहर जाकर शादी कर ली हैं वो भी आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, लेकिन वो बिहार की बहुएं जो बाहर से बिहार में आई हैं उन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि कोई बिहार के किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है, ए डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में विवाह हुआ, तो भी इसे आरक्षण का लाभ लेने के लिए इस डिस्ट्रिक्ट का प्रमाण पत्र नहीं देना होगा, यानी पिता के ओरिजिनल जो रहने का जगह है मूल स्थान है उसी का प्रमाण पत्र पेश करना है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको रिजर्वेशन से जो कुछ भी इशू था ये क्लियर हो गया है, खास करके विवाहित महिलाओं से के रिजर्वेशन से जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के सारे न्यूज अपडेट आपको देते रहते हैं।